हो गया भाई यार, ये इनको पूछे क्योंकि ये मेरे सारे मतलब डिजाइन करती है तो इन्होंने बनवाया है। तो आप बताइए कि आपने आज शेरवानी पहनाई है, तो क्या खास बात है? It's just ideas together and it's just few ideas put in together. I think it's a nice one, right? जैसे कि सभी ने आपसे पूछा है कि क्या खास बात आपको मैम में लगी जो आज आपने मैम बना लिया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। घर का ख्याल रखती है, मॉम डैड को बहुत प्यार करती है। शी मेक्स माई होम कम्प्लीट, सो आई थिंक शी इज़ वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ। एंड थोड़ा लाइक बहुत मायने लगता है, शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। और आई एम रेडी टू बी अ फादर एंड शी इज़ रेडी टू बी अ मदर एंड हेंस वी आर गेटिंग मैरिड। अभी आपको ये सिखाने वाली है? हाँ, अभी शुरू हो गया आज फेरे में मुझे स्टेप्स मतलब इन्होंने कोरियोग्राफ करके दिया। तो बेसिकली यस, इट्स गुड टू बी कोरियोग्राफ बाय समवन इन माय लाइफ। इन बहारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, सुने ना। आपसे जानता हूँ गणेश के बारे में, कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको बहुत पसंद है? एज लाइक आपने ही इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, व्हाटएवर इज इनसाइड इज हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। सबसे पहले तो आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे वरवधु? मैं बस यही कहना चाहूंगा, विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ। गणेश रेडी है शादी के लिए और जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं, आई एम सिंगल बट आई एम श्योर ही इज फाउंड हिज लव ऑफ हिज लाइफ एंड ही इज गेटिंग मैरिड। तो शादियों का मौसम चालू हो गया, तो आपको लगता है कि और कौन कौन किस एक्टर को शादी कर लेनी चाहिए आपके हिसाब से? जो जो रेडी है उसको कर लेनी चाहिए। तो आप कब रेडी हो? बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है, 5-7 साल 10 साल तो है। आपने अपना जो रेडी है उसको शादी कर लेनी चाहिए, तो रेडी रेडी जो है, जो रेडी है। अभिषेक सर, अभिषेक, अभिषेक बच्चन सर, अभिषेक बिग बच्चन सर, सुनैना उनको बहुत मजा आएगी, अब ज्यादा मजा आएगा। उन्होंने हमको काफी साल तक मैंने शो जब भी किए तो गणेश के साथ किए थे। मतलब फिल्मों में नहीं मैंने, मगर स्टार शोज जब हम लोग करते थे, वर्ल्ड शोज करते थे, तो गणेश मुबारकबाद दूंगा, दुआएं दूंगा, और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। जोक्स नहीं, एक्चुअली लोगों को बहुत कम मालूम है, जॉनी भाई सबसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और फिलोसफी और रिलीजन की बातें करते हैं। मैं इनका फैन इसलिए हूँ, बहुत भगवान में, खुदा में, गॉड में मानते हैं, और हमारे को जब भी दुआ करानी होती है हम जॉनी भाई के पास जाते हैं। Congratulations, and I'm very happy for them.
सबसे पहले तो क्या चाहूंगा कि उनकी ये जो मैरिज है जो उनका एक सगम है जिंदगी भर कायम रहे उन्हें बहुत खुशी मिले दे बोथ वेरी स्वीट आई हैव लर्न फ्रॉम देम वर्क विद देम सो आई रियली लव देम एंड आई वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट कोई टिप्स देना चाहेंगे आप गणेश को कोई टिप्स गणेश को थोड़ा टिप्स दूंगा मैं खुद सब कुछ जानता हूं सर आप कुछ टिप्स लेकर जाऊंगा मैं शाहरुख रावण के क्या सारे गाने उन्होंने ही शायद आपके या गणेश हैज डन एंड फिरोज हैज डन शाहरुख आप किसको शादी हो जानी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है किसकी शादी हो जानी चाहिए जिसको करनी है वो कर ले फिर भी कोई ऐसा नाम याद है जो आई थिंक ऑल ऑफ देम हुएवर आई थिंक मैरिज इज वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक एवरीवन शुड गेट अच्छा रावण का फर्स्ट लुक का काफी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला ऑडियंस से तो आप क्या कहना चाहेंगे बहुत खुशी है मुझे सबको अच्छा पसंद लग रहा है क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाई है पहली बार स्क्रीन पे आ रहा है तो आई वाज वेरी नर्वस एक्साइटेड सो आई एम वेरी हैप्पी कि सबको अच्छा लगे कोई शादी का गाना याद आता है कोई डेडिकेट करना चाहे अभी पता चले कल परसों यार मैं टेस्ट देख रहा हूं तो फिर मालूम पड़ेगा अच्छा लगे 8 तारीख को टेस्ट देख रहा हूं कोई शादी का गाना हस्बैंड कहा जाता है सभी लोग आपके सब पति चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बात मैं हूं बेस्ट हस्बैंड होगा तो वही कोई शादी का गाना आई एम ओपनिंग एप्लीकेशंस आफ्टर नेक्स्ट 2 इयर्स अच्छा शाहरुख कोई शादी लुक नहीं मिलेगा मेरी तो शादी की उम्र 4 साल से थी प्यार तो होना ही चाहिए लेकिन मैं पेरेंट्स हैव टू अप्रूव पर कितने साल लग जाएंगे प्रियंका ये सब होते हुए पता नहीं आपको हुआ अभी तक कुछ प्रियंका एक चीज वो मुझे नहीं पता मैं चाहती हूँ मेरी शादी सबसे पहले हो जाए NDTV का ग्रीनथॉन कर रहे थे एंड हमने बहुत सारे पैसे रेज किए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आए इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आए एंड मैं बस अप टू डेट रख रही थी अपने ट्विटर फॉलोअर्स में आज तो बहुत खुशी के दिन है गणेश हेगड़े माई फेवरेट डांस डायरेक्टर और खुद भी गाते हैं वीडियो है उनका और मेरा बहुत प्रिय है और मैं आया आज उनका शुभकामना शादी का मुबारक देने के लिए आए तो आपके यार की शादी है हाँ जी आपके यार की शादी है यार नहीं मेरा छोटा भाई है प्लीज प्लीज आपके यार गाना तो क्या अभी शादी के तो एक बनता है प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो गणेश बोलेगा मुझे प्यार करो बहुत सालों से जानता हूँ तो जो जो पिछले 5 साल में मेरी एक्सपीरियंस हुई है शादी के बारे में उनके साथ थोड़ा शेयर किया मैंने शादी के बाद कौन किसको नचाता है दोनों एक दूसरे को नचाते हैं एक 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 जिंदगी भर की नाच है शादी तो जी हाँ मैं बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूँगा उस बारे में देखो अभी क्या बोलेंगे यार इतनी महंगाई इतने लफड़े इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं अष्टाचार भ्रष्टाचार उसमें ये हिम्मत करके शादी कर रहा है क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आता देख रहे हालात देख रहे नहीं क्या हो रहा है टीवी पे क्या क्या दिखा रहे हैं उसके बाद भी हेगड़े लगा हुआ इस हेगड़े को कौन समझाए हेगड़े शुभकामना देने पहुंच गए आप अभी काम कुछ काम नहीं है तो शुभकामना देने आऊंगी भाई क्या आपको लगता है कि सलमान भाई को भी अब शादी ये काम कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए इतना पतला दुबला आदमी हिम्मत कर रहा है यार इतना पतला दुबला आदमी हिम्मत कर रहा है और वो अभी तक लगा हुआ है यार कौन सी लड़की को कौन सी एक्ट्रेस को शादी कर लेनी चाहिए किसको कौन सी आपके साथ किसको शादी कर लेनी चाहिए कौन सी एक्ट्रेस को शादी कर लेनी चाहिए सलमान की बात कर रहे हैं नहीं एक्टर हो गया सर फीमेल एक्ट्रेस को किसको उनको शादी कर लेनी चाहिए ना बहुत लड़कियां हैं वो पता नहीं क्यों नहीं कर रही हैं कौन बताइए ना कौन एक नाम भूला बाबा शाहरुख सर कौन सा अच्छा लगता है जॉनी भाई जॉनी भाई जो मुझे बोलते हैं वो अच्छा लगता है तो सिर्फ जोक्स नहीं एक्चुअली लोगों को मालूम है
जॉनी भाई सबसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और फिलोसफी और रिलीजन की बातें करते हैं। मैं इनका फैन इसलिए हूँ, बहुत भगवान में, खुदा में, गॉड में मानते हैं और हमारे को जब भी दुआ करानी होती है हम जॉनी भाई के पास जाते हैं। शाहरुख, अभी इन्होंने देश की सिचुएशन के बारे में बोला।